हिमाचल प्रदेश हिमालय का एक उत्तरी भारतीय राज्य है। इसके हिमालयी परिदृश्य, लोकप्रिय पहाड़ी इलाका और सुंदर पहाड़ी शहरों पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में एक मजबूत तिब्बती उपस्थिति है। यह अपने बौद्ध मंदिरों और मठों के साथ साथ इसके तिब्बती नववर्ष समारोह में देखा जाता है। ये प्रदेश में कई कार्यकला के लिए भी जाना जाता है, जैसे कि माउंटेन बाइकिंग, पैराग्लाइडिंग, आइस स्केटिंग, ट्रैकिंग, स्कीइंग, राफ्टिंग और हेली स्कीइंग हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है। घूमने के स्थान। हिमाचल प्रदेश उल्लेखनीय विविधता का देश है। यह हर अंग जिज्ञासा को प्रज्वलित और उत्साहित करता है। देश में कई सुरम्य, लुभावनी और नाटकीय जगह है। हिमाचल प्रदेश प्रगति प्रेमियों के लिए एक सच्चा स्वर्ग है। शिमला, कुल्लू, मनाली, डलहौजी, खजिया, खजौल, माइकलोटगंज कुछ ऐसा जगह है जहां घूमने दर्शकों के लिए देश पे अनूठा स्वर्ग बना देता है। शिमला। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। शिमला भारत के सबसे लोकप्रिय पहाड़ी इलाका में है और इसे पहाड़ियों की रानी के नाम में जाना जाता है। शिमला देवदार और ओक की जंगलों से घिरा हुआ शहर में दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे बड़ा प्राकृतिक आइस स्केटिंग रिंग भी है। यह ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में अपनी पूर्व भूमिका को पुनर्जन्म से भरा है। कालीभाटी मंदिर, अनिडल, वाइसरकल रॉज, क्राइस्ट चर्च, द रिज और जखू मंदिर शिमला के शीर्ष स्थान है। कुल्लू। देवताओं की घाटी के रूप में जाना जाता है। कुल्लू हिमाचल प्रदेश में सुंदर घाटियों का एक समूह है। घाटी अपने मंदिरों, सुंदरता और पहाड़ियों और देवदार के जंगल और सेब के बागों से ढकी पहाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। कुल्लू को पहले कुलंदपीठ के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है रहने योग्य दुनिया का अंतिम बिंदु। कुल्लू साहसिक खेलों के लिए एक स्थान है। ट्रैकिंग, पर्वतारोहण, एंगलिंग, हाइकिंग कुछ गतिविधियों ही कुल्लू प्रदान करता है। मनाली। मनाली कुल्लू घाटी में घूमने के लिए मुख्य स्थानों में से एक है। मनाली हिमाचल प्रदेश का सबसे खूबसूरत गंतव्य है। मनाली में हिमाच्छादित चोटियों और जंगली दलानों की शानदार दृश्य है। मनाली अपने पर्वतारोहण संस्थान के साथ गर्मियों में ट्रैकिंग और सर्दियों में स्कीइंग के लिए एक लोकप्रिय आधार है। हिमाचल प्रदेश के जंगलों में स्थित वन अपनी महिमा और शान के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि हिमालय के मुकुट में एक हरा मोत। राज्य में वनस्पति ऊंचाई और वर्षा से तय होती है। राज्य औषधीय और सुगंधित पौधों की उच्च विविधता से संपन्न है। राज्य का लाहौल स्पीति क्षेत्र एक ठंडा रेगिस्तान होने के नाते फेरुला जेशेकिना, योसियामस नाइगर, लेसिया टिबेटिका और सोसोरिया बेलिटा सहित औषधीय महत्व के अनूठे पौधों के समर्थन करता है। हिमाचल को देश का फल कटोरा भी कहा जाता है, जिसमें बाग बगीचे व्यापक है। घास के मैदानों में घास के मैदान और चरागाह भी दिखाई देते हैं। सर्दी के मौसम के बाद पहाड़ी और भाग जंगली फूलों से खिलते हैं, जबकि हेपियोलस, कार्नेशन, मेरीगोल्ड्स, गुलाब, गुलदाउदी, ट्यूलिप और लिली की सावधानी से खेती की जाती है। पाए गए जीवों में से कुछ दुर्लभ नेत्रहीन तेजस्वी पश्चिमी जगोपे और मोनाल किसान इबेक्स, जंगली या घोराल हिरन, कस्तूरी मृग, हिमालयन काले भालू, भूरे भालू, तेंदुए और हिमालयन तार है। हिमालयन प्रदेश में लगभग 463 पक्षी, 77 स्तनधारियां, 44 सरीसृप और 80 मछली प्रजातियां है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल और पिन वैली नेशनल पार्क राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। राज्य में 30 वन्यजीव अभयारण्य और 3 संरक्षण भंडार भी है। हिमाचल प्रदेश में जान जाती है समुद्र संस्कृति की धरोहर है। संगीत, नृत्य और पौष्टिक इतनी अनूठी है कि आगंतुक जगतार हिमाचल की
ही जनजातियों के लिए आकर्षित होते हैं। कुछ प्रमुख जनजातियाँ इस प्रकार है। किन्नौरिस। किन्नौरा जनजाति हिमाचल प्रदेश राज्य की अनुसूचित जनजाति है। किन्नौरा आदिवासी समुदाय किन्नौरा जिले में पाया जाता है। माना जाता है कि किन्नौरे को महाभारत के किन्नौरे का निर्माय माना जाता है। किन्नौरा जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि है। इस जनजाति की भाषा किन्नौरा भाषा के रूप में जाना जाती है। गदी जनजाति। गदी जनजातियों हिमाचल प्रदेश के दौलतदार राज्य के दोनों ओर पाई जाती है। माना जाता है कि गदी जनजातियों को उन प्रवासियों से नीचे आने के लिए माना जाता है जिन्होंने भारतीय क्षेत्र की मैदानी भूमि में शरण ली थी। इसके अलावा गदी आदिवासी लोग भगवान शिव के अनुयायी है। इस जनजाति समूह की भाषा को गदी भाषा के रूप में जाना जाता है। गुजर जनजाति। गुजर जनजाति आमतौर पर हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। वे खजर जनजाति में के निर्णय माना जाता है। ऐसे कहा जाता है कि हूनों द्वारा आक्रमण के समय गुजर वंश उत्तरी भारत और हिमाचल प्रदेश में चला गया था। गुजर जनजाति मुख्य रूप से हिंदू और मुसलमानों की अनुयायी है। गुजर जनजाति द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा गोजरी है। लाहुली जनजाति। लाहुली हिमाचल की एक अन्य जनजाति है। यह मूल रूप है लाहुली और स्पीति जिले से में। लाहुली एई को मुख्य रूप से मोलो इंडियंस का वंशी कहा जाता है। लाहुली का मुख्य व्यवसाय कृषि हेरिंग और बिनाई शिल्प है। मंजटी उनका भाषा का नाम है। लाहुली जनजातियों बुद्ध धर्म के अनुयायी है। हिमाचल प्रदेश में खाने पकाने के में पड़ोसी राज्य जैसा पंजाबी और पड़ोसी देश जैसा तिब्बती व्यंजन का महत्वपूर्ण प्रभाव है। कुछ व्यंजन इस प्रकार है। पहले बाबरू। बाबरू काले चने और डीप फ्राई के साथ बरवाया प्रसिद्ध उत्तर भारतीय कचौरी की हिमाचली संस्करण है। दूसरा मदरा। मदरा छोले और दही के साथ बनाई जाने वाले एक लोकप्रिय हिमाचली करी है जो चाम क्षेत्र से संबंधित है। यह धीमी गति के विभिन्न प्रकार से मसालों और एक सुगंध के साथ पकाया जाता है जो आपका तुरंत नाम कर सकता है। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी राज्य की सर्द जलवायु के कारण लोगों को ऊनी कपड़े पहने पड़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के पुरुष धोती या चूड़ीदार पायजामा और तेज हिमाचली टोपी के साथ कुर्ते को पगड़े कहता है। हिमाचली महिले कुर्ते रहित और घाघरा लहंगा चोली पहनते हैं, साथ ही स्कार्फ और शॉल भी। रहित सिर्फ के स्कार्फ है जो उन्हें ठंडे से बचाते हैं। क्षेत्र से पश्मीनी शॉल उन्हें कपड़े की एक किस्म है। कपड़े की पारंपरिक शैली के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में ड्रेसिंग में शरीर के सभी हिस्सों के लिए गहने शामिल है। हिमाचल प्रदेश में राजपूतों का शासन हुआ करता था और इसलिए आभूषण डिजाइन में अक्सर मीनाकारी की पारंपरिक राजस्थान शैली शामिल होती है।
गहरे नीले और हरे रंगों को अक्सर इनामलिंग में उपयोग किया जाता था। इन वर्षों में पारंपरिक राजस्थान डिजाइन, तिब्बती डिजाइन और स्थानीय वनस्पतियों और जीवों से प्रभावित हुए। हिमाचल प्रदेश का आभूषण काफ़ी अनूठा है। अंडाकार पायल, लोहे की ढोस चूड़ियां, बालों के गहने, पीपल के पत्ते के आकार के माते के गहने और माँ देवी के रूपांकनों को साथ पेंडेंट कुछ उत्तम टुकड़े हैं जो हिमाचल प्रदेश के लिए प्रसिद्ध है। श्रृंगार पति को माथे पर पहना जाता है और इसमें चेहरे के दोनों ओर पहना जाने वाले एक फ्रिंज शामिल होता है जिसमें एक स्टार या ज्यामितीय आकार के टुकड़े होते हैं जो एक दूसरे से जुड़ते हैं। इसमें त्रिशंकु, पीपल के पत्ते या तारे या बूंदे हैं। मध्य मोते पर कभी कभी निलंबित किए गए चंद्रमा या अर्धचंद्रकार आकार की पत्तिकाएं भी होती है। त्योहार और उत्सव। हिमाचल प्रदेश के लोगों द्वारा मनाए जाने वाले त्योहार की किस्में ही जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। हिमाचल प्रदेश में लोग कुल्लू दशहरा, लोहड़ी, हल्दा, साजो, होरी, शिमला समर फेस्टिवल, लोजार, ढोंगरी फेस्टिवल आदि त्यौहार मनाते हैं। कुल्लू दशहरा हिमाचल प्रदेश में मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। कुल्लू घाटी में डालपुर मैदान में हर साल एक अनुदान मेला आयोजित किया जाता है। लोहड़ी एक महत्वपूर्ण त्यौहार। लोहड़ी हिमाचल प्रदेश में सर्दियों के मौसम के दौरान मनाया जाता है। फसल उत्सव के साथ साथ लोहड़ी भाईचारा और एकता की भावना के बंधन को भी फैलाती है। हल्दा महोत्सव नए साल के स्वागत के लिए एक भव्य कार्निवल आयोजित किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में मनाया जाने वाले सबसे बड़ा त्यौहार है हल्दा महोत्सव। हिमालय का रहस्य। रेणुकजी। हिमाचल में रेणुकाजी एक गुप्त स्थान है। इस क्षेत्र में शानदार वास्तुकला स्थल है। रेणुका झील एक झील है जो अपनी सुंदरता में भगवान की झील को दर्शाती है। रेणुका झील भारत में हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में है और यह समुद्र तल से 672 मीटर ऊपर है। यह हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़ी झील है। संगला नाग देवता की भूमि खल्ट घाटी से 57 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हिमाचल की यह खुशबूदार घाटी बसपा नदी के किनारे स्थित है। यह हिमाचल में सबसे अधिक अंजन स्थानों में से एक है। यह प्राकृतिक दृश्यों से घिरा हुआ है। यह स्थान बर्फ से ढक पहाड़ों से ढका है जो इस जगह का मुख्य आकर्षण भी है। इस क्षेत्र में एक मंदिर भी है जो नाग देवता की समर्पित है। दिला बनाई बेची देरा